नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करने वाले हैं हीरो मैस्ट्रो 100 मिलियन वेरिएंट के बारे में, जिसको कि कंपनी ने खास बेहतरीन फीचर्स के साथ में लॉन्च किया है। तो दोस्तों आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसके ऑन रोड प्राइस, इसके अंदर क्या फीचर्स दिए हैं कंपनी ने, उन सबके बारे में जानकारी देंगे। तो फ्रंट लुक की हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपको हीरो मैस्ट्रो के अंदर काफ़ी बेहतरीन हेडलाइट्स मिलेंगे, साथ ही मिलती हैं ऊपर की साइड में आपको यहाँ पर दो दो पायलट लैंप का काम करने वाली लाइट्स, और यहाँ पर मिलेगा आपको बीच की साइड में इसके अंदर हैलोजन बल्ब के साथ में आने वाला हेडलाइट्स। तो इस तरह की ये इसकी हेडलाइट, साथ ही आपको नीचे की साइड में मिल जाते हैं खूबसूरत से इंडिकेटर। साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर जो है मैस्ट्रो की बैजिंग भी दिखाई देगी। यहाँ पर आप लगाएंगे नंबर प्लेट, और फ्रंट में आपको काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर जो है ग्राफिक्स यहाँ पर दिए गए हैं आपको दोनों ही साइड में। यहाँ पर आपको कॉपर कलर के साथ में यहाँ पे जो है गोल्डन कलर के साथ में आपको 100 मिलियन हीरोज़ की एक एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर जो है बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। तो दोस्तों ये काफ़ी स्पेशल एडिशन है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम मिलेगा। आजकल हर BS6 गाड़ियों के अंदर आपको कार्बोरेटर तो नहीं मिलता है, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काम करने वाला इंजन मिलता ही है। बात करते हैं सबसे पहले हम इसके फ्रंट टायर के बारे में। यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन अलॉय व्हील्स के साथ में मिलेगा इसका फ्रंट टायर। 12 इंच का आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है आगे की साइड में, साथ ही आपको मिलती है यहाँ पर IBS टेक्नोलॉजी। IBS का मतलब ये होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम, हालांकि इसको अलग अलग कंपनियां अलग अलग नाम से जानती हैं। एक तरह से ये जो है आपको कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ही मिल जाता है, जिससे कि आपकी ब्रेकिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। यहाँ पर दोस्तों अगर इसके फ्रंट सस्पेंशन की बात करें, तो यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक फोर्स सस्पेंशन मिलेगा, और शानदार आपको जो है यहाँ पर इसके अंदर व्हील बेस भी मिलता है। व्हील बेस दोस्तों एक स्कूटर की ऐसी या टू व्हीलर की एक ऐसी ज़रूरत की चीज़ होती है, जिससे कि आपकी गाड़ी जो है काफ़ी बैलेंस्ड होकर के चलती है। तो साइड से हमें हीरो मैस्ट्रो कुछ इस तरह का दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 155 mm के आसपास का इसके अंदर ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, और 1261 mm के आसपास का शानदार आपको यहाँ पर जो है व्हील बेस भी मिलेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको सीटिंग हाइट काफ़ी शानदार मिलती है, 755 mm के आसपास की आपको यहाँ पर सीटिंग हाइट मिलती है, जिससे कि अगर 1.5 फीट का बंदा भी है वो भी यहाँ पर जो है आसानी से बैठ पाता है। ये साथ ही दोस्तों आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा लेग स्पेस मिलता है, जिसके अंदर अगर आप चाहें तो एक अच्छा खासा बैग है या सिलेंडर है, ऐसी चीज़ों को भी आप आसानी से रख के लेके जा सकते हैं। अब बात करते हैं हम इसके अंदर मिलने वाले एक्स्ट्रा स्टोरेज की। तो यहाँ पर आपको दो दो हुक्स मिल जाते हैं आगे की साइड में और पीछे की साइड में, जिसके अंदर आप अपना कोई भी सामान जो है उसको कैरी करके भी लेके जा सकेंगे। साइड से हमें स्कूटर कुछ इस तरह का दिखाई देगा। एज की आपको काफ़ी खूबसूरत ग्राफिक्स मिलती है, साथ ही मिलता है मैस्ट्रो का सिल्वर फिनिश के साथ में आने वाला बैजिंग। अब बात करते हैं दोस्तों हम इसके सीट और इसके अंडर सीट स्टोरेज की। तो सीट की सबसे पहले बात करें, तो यहाँ पर आपको काफ़ी चौड़ी सीट मिलती है, जिसके अंदर आप जो है काफ़ी बेहतरीन बैठ सकते हैं दो लोग। काफ़ी चौड़ी सीट होने के बावजूद यहाँ पर दोस्तों आपकी राइडिंग जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है, साथ ही सीट के ऊपर भी आपको 100 मिलियन की जो है बैजिंग देखने के लिए मिलेगी। अब हम सीट को खोलते हैं। तो सीट को खोलने के बाद में हमें नीचे की साइड में लगभग 15 लीटर के आसपास का यहाँ पर आपको अंडर सीट स्टोरेज मिलेगा, जिसके अंदर आप जो है हेलमेट है, साग भाजी, ऐसी चीज़ों को रख के लेके जा सकते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइट भी मिलती है, यही साथ ही आपको यहाँ पर जो है मोबाइल चार्जिंग की सुविधा भी स्पेशल एडिशन के अंदर कंपनी के द्वारा दी गई है। तो ओवरऑल इस तरह का है इसका पीछे का लुक। पीछे की साइड में दोस्तों आपको यहाँ पर मिलता है इसके अंदर आने वाला फ्यूल टैंक का लेट, जिसको कि आप चाबी लगाने की जगह से ही ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर 5 लीटर की फ्यूल कैपेसिटी वाला पेट्रोल टैंक मिल जाता है, जिसका कैप जो है काफ़ी खूबसूरत दिया है। यहाँ पर कुछ क्रोम फिनिश भी डाला है, जो कि इसके लुक को काफ़ी एनहेंस करता है। साथ ही आपको पीछे की साइड में काफ़ी स्टाइलिश इसके अंदर जो है LED के साथ में आने वाले टेल लैंप्स मिलते हैं, जो कि नाइट के समय में आपकी काफ़ी दूर दूर तक विजिबिलिटी को बनाए रखते हैं। काफ़ी खूबसूरत आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं, जो कि हैलोजन बल्ब के साथ ही रहेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों देखा जाए तो स्कूटर काफ़ी सुंदर है और काफ़ी बेहतरीन है, और हीरो की जो गाड़ियाँ हैं वो अपनी फ्यूल एफिशिएंसी के लिए तो जानी ही जाती हैं। बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर मिलने वाले नए इंजन के बारे में। यहाँ पर अगर हम इंजन के डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो 110.9 cc का आपको यहाँ पर BS6 इंजन मिलेगा, जो कि फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम पर काम करता है। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर आपको कार्बोरेटर नहीं मिलेगा, FI सिस्टम के द्वारा आपके इंजन को जो है यहाँ पर फ्यूल दिया जाता है। अगर हम इसके डिस्प्लेसमेंट के अलावा इसके पावर की बात करें, तो 6 kW की पावर मिलती है 7,250 RPM के आसपास, और 8.7 Nm का टॉर्क मिलेगा लगभग 5,750 RPM के आसपास। तो इस तरह का है ओवरऑल इंजन। अगर इस नए इंजन से माइलेज की बात करें, तो लगभग आपको 50 से लेकर के 55 तक का माइलेज एवरेज कंडीशंस के अंदर मिल जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि आप किस तरह की ड्राइविंग के आदि हैं। तो इस तरह का है इसका इंजन पोर्शन। अब हम बात करते हैं इसके दूसरी साइड की। दोस्तों पीछे की साइड में आपको जो है यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का प्रोविज़न होता है, साथ ही पीछे का जो हिस्सा है ये आपको मिल जाता है अनब्रेकेबल फाइबर मटेरियल का। तो इस तरह का है पीछे से इंजन और स्कूटर हमारा, देखने में काफ़ी स्पेशियस आपको स्कूटर के अंदर जगह मिलती है।
इस साइड में देखें तो हमें यहाँ पर मिलता है इसका साइलेंसर, जिसके ऊपर आपको मफलर वगैरह मिल ही जाएगा और काफ़ी बेहतरीन ब्लैक कलर के अंदर आपको इसका साइलेंसर देखने के लिए मिलेगा। BS6 गाड़ियाँ हैं तो यहाँ पर आपको साइलेंसर के अंदर जो है कैटकॉन कन्वर्टर जैसी चीज़ देखने के लिए मिलेगी, जिससे कि हमारे BS6 की जो पॉल्यूशन मानक है वो कंप्लीट हो पाते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों इसके डिस्प्ले के बारे में और इसके डिस्प्ले के ऊपर मिलने वाली तमाम सारी चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको काफ़ी खूबसूरत इसके अंदर हैंडल बार मिलती है, जिसके लेफ्ट हैंड साइड में मिलती है। इसके अंदर आपको काफ़ी सारे कंट्रोल, जैसे कि हॉर्न हो गया, इंडिकेटर हो गया, अपर डिपर स्विच हो गया, और यहीं पर आपको जो है पास लाइट का स्विच भी मिल जाता है। राइट हैंड साइड में मिलेगा आपको इंजन स्टार्ट करने का स्विच। अब बात करें अगर हम इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटल और एनालॉग रूप से शो होती हैं, जैसे कि ऊपर की साइड में मिलेगा ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज मिल जाता है। साथ ही दोस्तों आपको इंजन के अंदर FI सिस्टम काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसका भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड लगा हुआ है तो उसका अगर लगा हुआ है तो उसकी इन्फॉर्मेशन शो होगी। यहाँ पर आपको लाइट वगैरह के मिल जाते हैं स्विचेज, यहाँ पर इंडिकेटर मिलता है, और इस तरह की आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन इस छोटे से और प्यारे से इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के ऊपर शो होती हैं। तो ओवरऑल दोस्तों इस तरह की है इसकी हैंडल बार। दोस्तों उम्मीद करता हूँ मैंने आपको तमाम सारी इन्फॉर्मेशन नए मैस्ट्रो 100 मिलियन वेरिएंट के बारे में इस वीडियो के माध्यम से दे दी है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैं इंदौर में आया हुआ हूँ VN हीरो के शोरूम पे, जो कि कालानी नगर इंदौर में स्थित है, और यहाँ से आप जो है तमाम सारी बाइक्स हैं, स्कूटर्स हैं, इनकी टेस्ट ड्राइव भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आप खरीदना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम नए मैस्ट्रो की कीमत के बारे में। 81,773 रुपये के आसपास की कीमत में आप इसको इंदौर शहर में ऑन रोड परचेज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास में इतना बजट एक साथ देने के लिए नहीं है तो आप इजी फाइनेंस स्कीम के तहत भी इन स्कूटर्स को अपने घर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे हैप्पी कस्टमर्स की फोटोग्राफ भी लगाई गई है, और मैं चाहता हूँ कि आप अगर मुझे इंदौर या इंदौर के आसपास से देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को देख करके यहाँ पर आएँ और आपका भी एक फोटोग्राफ यहाँ पर लगाया जाए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना, फिर मिलूंगा कल किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।